किसे याद नहीं और कौन भूला होगा इस खूबसूरत चेहरे को, इस खूबसूरत जोड़ी को, जिनके शादी में ना केवल लोकल नेता जबकि बड़े बड़े दिग्गज अधिकारी से लेकर राष्ट्रपति तक आशीर्वाद दिया और गंगा यमुना की तहजीब का मिसाल बना दिया। मैं तो कहता हूँ दोबारा आइए नेताजी, अब तलाक हो रही है, कोर्ट में अर्जी डाल दी गई है, टूट रही है गंगा यमुना की तहजीब और ना कोई पूछ रहा है और ना कोई सुन रहा है। अब आप सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये है आईएएस अधिकारी टीना डावी और अतहर खान। समाज को आईना दिखाने के लिए आईएएस बने, शादी के 2 से 3 साल भी नहीं हुए और तलाक की अर्जी लग गई। दोनों आईएएस अधिकारी हैं। आईएएस अतहर खान अब राजस्थान छोड़कर अपने गृह राज्य जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं। अतहर खान ने इसके लिए आवेदन किया है। ऐसा नहीं है कि कोई दबाव है, कोई परेशानी है जिसके चलते तलाक ले रहे हैं। आईएएस टॉपर टीना डावी और अतहर खान ने जयपुर की एक फैमिली कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक की अर्जी डाली है। सिविल परीक्षा में टॉप रही टीना और अतहर ने साल 2018 में शादी की थी और अभी 2020 है। अतहर खान ने जम्मू कश्मीर में डेपुटेशनल पद जाने के लिए आवेदन किया है। हालांकि उनका आवेदन अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय में लंबित है। गृह मंत्रालय ने उनका आवेदन अभी तक स्वीकार नहीं किया है। अतहर खान और टीना डावी दोनों को राजस्थान कैडर मिला था। बता दें कि अतहर अपने गृह राज्य जाने के लिए जो आवेदन गृह मंत्रालय को भेजा है उसके कुछ नियम हैं। सेंट्रल डेपुटेशन पर जाने के लिए किसी भी आईएएस अधिकारी को 9 साल तक अपने कैडर स्टेट में नौकरी करनी पड़ती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में जाने के लिए 7 साल अपने कैडर स्टेट बनना जरूरी है। टीना डावी और अतहर आमिर ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया है। 2015 की यूपीएससी टॉपर रही टीना डावी ने जम्मू कश्मीर के अतहर आमिर उल शफी खान के साथ शादी रचाई थी। अतहर ने भी साल 2015 में ही सिविल परीक्षा में दूसरी रैंक हासिल की थी। यह दंपति अपनी शादी को लेकर पहले भी सुर्खियों में थे और अब भी तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन उनका क्या जो शादी में गए और शादी में आए आशीर्वाद दिया, गंगा यमुना तहजीब की मिसाल दी और अब शादी टूटने के कगार पर है तो खामोश चुपचाप बैठे हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।